मैंने कढ़ाई में दो मैंने कढ़ाई में डेढ़ गिलास के लगभग दूध लिया है। इसे हम फैलाएंगे अच्छे से। मेरा दूध उबाला रहा है, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक बॉल में रूम टेम्परेचर पे दूध लिए हैं, उसमें दो बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से घोल लेंगे। दूध हमारा दूध में उबाल आ गया है, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला के चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अच्छे से इसे मिलाएंगे ताकि इसका जो लम्स है वो हट जाए। दूध अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम कस्टर्ड का घोल ऐड करेंगे। इसे भी एक दो बार अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने दो बड़े साइज के ब्रेड लिए हैं, उसे तोड़ कर इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए इसे पकाएंगे। ब्रेड हमारा अच्छे से धूप में अब्जॉर्ब हो गया है। अब गैस हम बंद करके इसे ठंडे होने देते हैं। हमारा बैटर जो है ठंडा हो गया है। अब इसे मिक्सी के बॉल में ट्रांसफर करेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही स्मूथ इसको हमें इसका बैटर तैयार करना है। अब इस बैटर को एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे कवर करके डीप फ्रीजर में इसे 8 से 9 घंटा इसे डीप फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। फ्रीजर में इसे रखे हुए मुझे 5 से 6 घंटा हो गया है। देखिए ये अच्छा से सेट हो गया है। अब इसे कट करके प्लेटिंग करते हैं। मैंने कुल्फी को पीस पीस करके इसका प्लेटिंग कर लिया है। इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे टूटी फ्रूटी से। देखिए मैंने टूटी फ्रूटी से इसे डेकोरेट कर लिया है। कितना ये सुंदर प्यारा दिख रहा है। आप इसे एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा।